मेरा नाम डॉक्टर आतिका शेर है और मैं लियाकत नेशनल में बच्चों की स्पेशलिस्ट डॉक्टर हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं, एहतियात इलाज से बेहतर है। इस बात को मद्देनज़र रखते हुए हमें दो बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। पहली, हमें बच्चे की पैदाइश के फौरन बाद से उसे हिफाजती टीकों का स्केड्यूल के मुताबिक वैक्सीनेट कराना बहुत ज़रूरी है। वैक्सीनेशन के ज़रिए हम अपने बच्चों को बहुत सी बीमारियों से दूर कर सकते हैं, जिसमें टीबी, नमोनिया, डायरिया, काली खांसी, खुरनाक जैसी ख़तरनाक बीमारियों का नाम शामिल है। दूसरी चीज़ जिस पर हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम ख्याल रखें, साबुन से हाथ धोने की आदत को अपने घर वालों में और अपने बच्चों में आम करने की बहुत ज़रूरत है। ख़ास तौर पे खाना बनाने से पहले, खाना खाने से पहले, बाथरूम से आने के बाद और नज़ले ज़ुकाम और खांसी की सूरत में चेहरे या नाक पे हाथ लगाने के बाद। रिसर्च ये बात प्रूव करती है कि सिर्फ़ और सिर्फ साबुन से हाथ धोने की आदत से हम नमोनिया जैसी बीमारी में 25% और डायरिया जैसी बीमारी में 31% कमी ला सकते हैं। रिसर्च ये भी बताती है कि गरीब ममालिक में 5 साल से कम उम्र बच्चों की अमवात का सबसे बड़ी दो वजूहात में नमोनिया और डायरिया आता है। सो ये जानते हुए कि हाथ धोने की आदत इन बीमारियों में बहुत कमी ला सकती है, आए हम अहद करते हैं कि हम अपने बच्चों का ख्याल रखेंगे, उन्हें टाइम से वैक्सीनेट कराएंगे और उनमें हाथ धोने की आदत को आम करेंगे। थैंक यू।